एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फाइनली मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मैं टाइम भी बता देती हूँ, अभी 12:30 हो रहे हैं। तो सब कुछ हो गया है, सुबह का काम वाम जो होता है रेगुलर बेसिस पे, झाड़ू पोछा, नहाना, पूजा पाठ, नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया। कपड़े धुल रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि जब भी धुलते हैं तो कपड़ों का ढेर लग ही जाता है। मुझे कुछ शेयर भी करना था तो मैंने सोचा कि चलो इसी ब्लॉग में बताते हैं। 18 अप्रैल को हमारी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है, तो हम लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए कहीं जा रहे हैं। और गर्मियों में मतलब कैसे हम ट्रैवल कर पाएंगे, कैसे मतलब हम लोग, अब भगवान भरोसा। तो इस व्लॉग में मैं आज पैकिंग करने वाली हूँ, तो मैं क्या क्या पैक करूँगी और क्या क्या लेकर जाने वाली हूँ अपने से मिनी से ट्रॉली बैग में, तो मैं आपसे वो शेयर करूँगी। सिर्फ आप मेरी पैकिंग देखो और कमेंट डाउन करके बताना, और शायद जब तक ये व्लॉग आप तक पहुँचे तब तक हम लोग वहाँ पर पहुँच जाए। ये व्लॉग को पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर हम लोग वहीं पर होंगे जब ये व्लॉग आपके पास तक पहुंचेगा। तो तब तक के लिए आप बने रहिए जी नेक्स्ट व्लॉग का, फिलहाल ये व्लॉग आप एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपना ट्रॉली बैग निकालने के लिए। तो जितनी भी ट्रॉली बैग्स हैं मेरे पास, तो वो मैं सारा बेड के बॉक्स में ही रखती हूँ। बाहर रखो तो एक तो धूल धक्कड़ बैठेगी उस पर, ऊपर से घर मैसी दिखता है। तो मैं तो सारा चीज़ अपनी जगह पर ही रखती हूँ जहाँ मुझे सही लगता है। तो यहाँ मैं लेकर आ गई दूसरे कमरे में ट्रॉली को, तो क्योंकि अलमीरा मेरा इस कमरे में है, तो कपड़े निकाल कर मैं डायरेक्ट यहीं पे पैक करती हुई जाऊंगी। और इसमें ना थोड़ी थोड़ी धूल बैठ ही गई थी, कितना भी आप बेड के बॉक्स में रखो क्या करो तो फिर भी हो ही जाता है। तो यहाँ मैंने खोल लिया है अपना अलमीरा, तो मुझे समझ नहीं आया कि पहले मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर निकाल ली है अपनी साड़ी, जिसे मैं थोड़ा अपना एथनिक वेयर भी रख रही हूँ और कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस भी रख रही हूँ। तो यहाँ पर कैमरा थोड़ा दूर से कैप्चर हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ से करते हैं, थोड़ी अच्छी लाइट आएगी और पास से मतलब समझ भी आएगा क्या मैं निकाल रही हूँ क्या नहीं। तो जब तक कपड़ों को आप खोलकर दिखाओ नहीं तब तक समझ में भी नहीं आता है वैसे कौन से कपड़े हैं, और कपड़ों को ना पहनने के बाद में ही समझ में आता है। और यहाँ मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है कि मैं और क्या निकालूँ, कहाँ से निकालूँ, कौन से सूट रखूँ, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे सोच रही हूँ खड़े होकर। तो ना पैकिंग करना मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग वाला काम है, दिमाग खपाने वाला काम है, कि मतलब सोच सोच के रखो कि आपको कौन से ड्रेसेस रखने हैं, कौन से दिन पर पहनने हैं वो ड्रेसेस, प्लस उसके फिर अकॉर्डिंग सारी ज्वेलरी रखो। तो ये मैं सोच रही हूँ ये वाला सूट मैं रखूँ या नहीं रखूँ, फिर गर्मियों के हिसाब से कहीं गर्मी ना लगे। तो मैं ऐसा कंफर्ट वाला सूट देख रही थी कि मतलब कौन सी रखूँ कौन सी नहीं, तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर मेरा हो गया दिमाग ख़राब, और मैंने ना मुझे एक टॉप ढूंढना था, तो वो टॉप मुझे मिला ही नहीं। मैंने मतलब दोनों सेक्शन खाली कर लिए लास्ट में। तो ये वाला मैं आपको दुपट्टा दिखा रही हूँ, देखो कितना प्यारा दुपट्टा है ना, इसी दुपट्टे से मैंने एज अ साड़ी इसे ड्रेप किया था जब मैंने घर पे पूजा रखवाई थी, बहुत अच्छा लुक आया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप वो व्लॉग जाके देख सकते हैं जब घर में मैंने पूजा रखवाई थी। तो फ़िलहाल मैंने जो मेरे राइट साइड जो सेक्शन है ना उधर से मैंने खाली किया, और जो जो मुझे कपड़े मतलब निकालने थे रखने थे वो सब मैं निकाल लिया है, फिर उसे मैं तो ये रखती रहा मेरी शादी का दुपट्टा, मतलब हमारे में ना सूट में फेरे लेते हैं, तो ये मेरी शादी का मतलब दुपट्टा है। इतना हैवी और इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत है ना क्या ही बताऊँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने अब लेफ़्ट साइड का भी सेक्शन पूरा खाली कर दिया है। ये इसी वजह से किया कि बस मुझे एक टॉप नहीं मिल रहा था, और वो कहाँ घुसा हुआ था मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर अलमारी में से गया तो गया कहाँ। तो इस वजह से मैंने वो लेफ़्ट साइड का सेक्शन आप देख सकते हो मैंने सही कर दिया है, और अभी राइट साइड के सेक्शन में आ गई हूँ। तो लेफ़्ट साइड में सिर्फ साड़ियों के कलेक्शन है और कुछ कुछ ऊपर के सूट और या फिर चुन्नी दुपट्टे ये सब हैं, और इधर ये लेफ़्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ सूट्स ही हैं, जो भी हैवी सूट भी हैं नॉर्मल सूट भी हैं सारे हैं। तो ये सारे को अब मैं सेक्शन बाय सेक्शन रखती जा रही हूँ, मतलब
तय लगा लगा कर बड़ा दिमाग ख़राब हो गया था। लास्ट में जब मतलब निकला, मतलब अलमारी खुला, तो मेरा एक काम बढ़कर ही मतलब रह गया। मैंने सोचा था सिर्फ मैं पैकिंग करूँगी कपड़े निकाल कर, लेकिन नहीं, मेरा यहाँ एक और काम बढ़ गया जो मुझे अलमारी भी जमाना पड़ा। तो यहाँ पर मैं सभी सूट के पेयर बना बना कर, मतलब जहाँ पजामी है वहाँ पे वहीं चुन्नी ये सब रखना, ताकि कभी भी निकालो पहनने के लिए तो इजीली वो मिल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि दुपट्टा कहीं और है तो लेगी कहीं और है। और ये वाली चिकनकारी कुर्ती जो मैंने वृंदावन जाते टाइम लिया था और वहाँ पे पहना था, इसका कलर इतना प्यारा है, आप देख सकते हैं। मुझे आजकल ये लाइट पर्पल कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। इस पर्पल कलर की यही वाली मेरी ऑर्गेन्जा साड़ी आई हुई है, जो अभी मैं पहनूंगी एनिवर्सरी पे। और मेरे पास एक गाउन भी है, एक टॉप भी है, तो इस कलर का मेरे पास बहुत सारा कुछ हो गया है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे, ये नीचे वाले सेक्शन में। तो नीचे वाले सेक्शन में अब मैं फाइनली वो टॉप को ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नीड है उस टॉप की, क्योंकि वो टॉप मुझे वहाँ लेकर जाना है और मुझे मिल नहीं रहा। फिर लास्ट में फाइनली मुझे यही नीचे वाले सेक्शन से ही मिला। मुझे पूरा अलमारी मतलब खदेड़ना पड़ गया सारे कपड़ों को निकाल के, और लास्ट में मुझे ये नीचे वाले सेक्शन से मिला। तो मैं फाइनली खुश तो हुई कि मिल गया, लेकिन बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया। तो यहाँ पर मैंने कर फिलहाल दिया ये है फाइनली मेरे बेड अलमारी की को बंद। हालत, जो कि मुझे ये अभी सारा सामान जो मुझे पैक करना है, जो ये मेरे कपड़े हैं, इसमें से एक दो शर्ट सिर्फ मेरे हस्बैंड के, अभी मैंने इसमें हस्बैंड के कपड़े नहीं निकाले हैं, तो पहले मैं अपना रख लूँगी। देखते हैं पहले इस ट्रॉली में आता है कि या नहीं आता है। आ तो जाना चाहिए मे बी, अगर नहीं आएगा तो फिर इससे बड़ा वाला ट्रॉली मुझे बॉक्स से निकालना पड़ेगा, और उसमें ऑलरेडी कपड़े रखे हुए हैं, तो वो उन मतलब उस ट्रॉली को निकाल कर खाली करना पड़ेगा, तब मैं उसमें कपड़े रखूँगी। तो इसलिए पहले मैंने ये वाला निकाल लिया है कि इसमें रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो एथनिक अटायर रखे हैं, यहाँ एक साड़ी रखी है और एक ये वाली सूट, मतलब ये पटियाला सूट है, काफ़ी अच्छी है और काफ़ी हैवी है, इसमें जरी का वर्क है, ठीक है। और इसका ये ऊपर वाला भी देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा, ये स्लीवलेस पटियाला है और ये इसका दुपट्टा। तो ये एक और दूसरा एथनिक वेयर में ये मेरी ऑर्गेन्जा साड़ी है जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी स्पेशली फॉर एनिवर्सरी। तो ये वाली और बाकी सारे मेरे वेस्टर्न ड्रेसेस हैं, ये आप देख सकते हैं। तो मैं आपको अभी फ्रंट कैमरे से आपको शो कर करके इस ट्रॉली में रखती जाऊंगी। मेरे कपड़े भी धुल गए हैं ऑलमोस्ट, ये आप देख सकते हैं। पर्दे का सारा रिंग तो ऐसे निकल जाता है ना, बड़ा काम बढ़ जाता है इन सब चीज़ों में। तो ये मैं निकाल के रख देती हूँ। तो इसे एक और साफ़ पानी से एक और बार इसे धोएंगे, बाकी फिर पानी ड्रेन करके इसे ड्राई कर देंगे, तो इसका काम हो जाएगा ख़त्म। ये मुश्किल से और 15 मिनट का। एक साथ मेरे इतने सारे काम चलते रहते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपनी साड़ी को फोल्ड करके ट्रॉली में रखने के लिए। और यहाँ पर मुझे गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने बालों को जूड़ा बना के रख लिया था। और मैं आपसे बातें भी कर रही थी, लेकिन वॉइस इतनी दूर से आ नहीं रही थी, तो मैंने उसे म्यूट करके अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो साड़ी के बाद मैंने रख लिया है ये मेरा सूट। जो जो लास्ट डे में निकलने वाले कपड़े हैं उसे मैं नीचे रखूँगी, और जो पहले निकलेंगे कैजुअल ड्रेसेस वो सारे मैं रखूँगी ऊपर ऊपर। तो ये मैं आपको वन पीस आपको शो कर रही हूँ कि ये मेरा वन पीस है, ये मेरी शादी से पहले का वन पीस है। तो ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है, ये मुझे अभी बहुत अच्छे से फिट आता है। और इसके साथ है ये शॉर्ट्स, वन पीस में शॉर्ट्स बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। उसके बाद ये है फ्लोरल प्रिंट का जम सूट, इसका मैंने शॉर्ट्स वीडियो अपलोड नहीं किया है, लेकिन प्रोसेसिंग में है, बन चुका है, बस मैं इसे अपलोड करने वाली हूँ। तो ये पहनने के बाद भी काफ़ी बहुत अच्छा लुक दे रहा है। उसके बाद अगेन ये एक वन पीस है, इसे भी मैंने मीशो से मंगवाया है। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, और मुझे इस तरीके का पिंक कलर, जो बेबी पिंक कलर होता है, बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसे भी ऑफ शोल्डर पहन सकते हैं, ये भी बहुत स्ट्रेचेबल है ये वाली फ़्रॉक। और मुझे नए कपड़ों की स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद है, जस्ट लव इट। और ये है नेट वाली शर्ट, तो इसके अंदर आप इनर पहनोगे तभी आप ये पहन सकते हो, वरना ये तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। तो जब तक मैंने आपसे बातें कर करके रखे सारे कपड़े अपने ट्रॉली में, तब तक मेरी मशीन से कपड़ों की आवाज़ भी आने लगी थी कि चलो अब ड्राई करो, क्योंकि पैकिंग के चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। वीडियो तो हम लोग कट करके दिखाते हैं, लेकिन उतना नहीं पता चलता है। और आप धूप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तेज़ धूप है, और मतलब ये 3:30 का टाइम हो रहा होगा दोपहर के, लेकिन मतलब वहाँ खड़े होकर कपड़े फैलाना ना बहुत बड़ा टास्क लग रहा था। लग रहा था कि मतलब कब हटे वहाँ से, और मतलब लेकिन हवा चल रही थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्म हवा चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा बैंड बजी हुई थी। और ये रही मेरी मतलब पूरी बैल्कनी भर गई है कपड़ों से। तो अब हम लोग चलते हैं अंदर रूम के,
हम यहाँ पे कर देंगे गेट को बंद, पर्दे को खींच देंगे ताकि रूम भी थोड़ा ठंडा ठंडा। तो मैंने फाइनली कपड़ों की पैकिंग कर ली है, कपड़ों की सारी पैकिंग हो गई है। अब मैं जा रही हूँ अपना जो भी मेकअप और ज्वेलरी पैक करने के लिए। तो ये सारा मैस मचा के रखा है, कुछ इस तरीके से मैं शूट करूँगी अभी क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कैमरा कहाँ कहाँ एडजस्ट करके करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि अब मेकअप और ज्वेलरी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, दो चार ही रखने हैं, क्योंकि कपड़े भी मैंने ज़्यादा कुछ रखे नहीं और वेस्टर्न वेयर पे ज्वेलरी की कोई ज़रूरत नहीं है, उस पर आप जितना डिसेंट लुक रखो। तो जो एथनिक वेयर है उन सब चीज़ों पे ज्वेलरी वगैरह जाएंगी। सोचा कि चलो एक एक करके आपसे शेयर करते हैं और रखते भी जाते हैं। पर्स में मैं रखने वाली हूँ, ये पर्स का कलर कितना प्यारा है ना, मुझे ऐसे पिंक कलर के बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और ये मेरा जो भी वेस्टर्न वाला जो ड्रेस है, पिंक वाली फ्रॉक, वो भी इसी कलर से सिमिलर है, वो थोड़ी लाइट है, ये थोड़ा डार्क है। तो चलिए आपसे एक एक करके शेयर करते हैं मैं क्या क्या कैरी कर रही हूँ अपने बैग में। मेरा फेस आज कितना ग्लो कर रहा है क्योंकि मैंने आज स्किन केयर किया है और इसका भी मैंने शॉर्ट्स अपने चैनल पर अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ मेरा ये चूड़ा। ये मेरी शादी का चूड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये मैंने अभी हाल फिलहाल में ही मीशो से लिया है और ये बहुत ही खूबसूरत है। यू कैन सी, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो इसे ना मैं वो पटियाला सूट जो मेरा एथनिक वेयर है, मैं उसके साथ वेयर करूँगी। तो एक ये चूड़ा ये इसी तरीके के डब्बे में पैकेजिंग में आया था। और दूसरा जो नेक्स्ट बैंगल है मेरा, ये जो वेलवेट वाली जो भी चली हुई है ना ट्रेंड में, जिसती हूँ और आपसे शेयर भी करती हुई जाती हूँ। तो आई होप कि मेरे इस पर्स में इतना सारा सामान आ जाए, नहीं तो हाँ। फिर नेक्स्ट मैं रख रही हूँ ये वाली ज्वेलरी जो मैंने आपसे शेयर किया है शॉर्ट्स में, 3 लेयर वाला चैन। तो बाप, बहुत ज़्यादा उलझ गया था ना, तो मैंने इसे इस तरीके का करके रखा है क्लिप से, ताकि ये कम से कम एक जगह रहे और इसे पहनने पर बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो इसे मैं वेस्टर्न वेयर पर प्यारा करने वाली हूँ। पर ये वाला मैंने कोका लिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ये नोज़ पे कुछ इस तरीके का आएगा। तो फिर इसे एक ज्वेलरी बॉक्स, ज्वेलरी में मैं बस वही ये एक चैन और एक इयररिंग्स रख रही हूँ। और ये फॉल्स नेल्स, आई जस्ट लव दिस कलर यार, सीरियसली बहुत ही प्यारा कलर है। आप देख सकते हो ये पर्स से थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बाकी ग्लिटर की वजह से बहुत ही अच्छा मतलब कलर आ रहा है। तो ये मेरा वेस्टर्न वेयर में बोला था, मैं उस दिन जो मैं मार्केट गई थी, तो मेरे हस्बैंड के ये सनग्लासेस, ये वाले मेरे सनग्लासेस जो मैंने मीशो से मंगवाया था, ये वाले ट्रांसपेरेंट, एंड सबसे बेस्ट, दिस इज़ माई फेवरेट, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। तो ये 4 सन ग्लासेस मैं कैरी करके लेकर जाऊँगी। उसके बाद मैं रखने वाली हूँ ये मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन। तो मैं ब्लश वाला हाइलाइटर पैलेट रख लूँगी, स्विस ब्यूटी का है ये। और इसमें आप देख सकते हैं ये हाइलाइटर है और इधर ब्लश है और इसमें मिरर भी है, तो ये मतलब ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा सही है। तो ये रख लूँगी मैं, और ये वाला आई शेडो पैलेट रखूँगी क्योंकि मुझे ब्लू आई मेकअप करना है, तो ये एक हो जाएगा। और मेकअप फिक्सर तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि समर का टाइम है, रिस्क नहीं लेना है। इसके बाद मैं रखने वाली हूँ ये आईलैश कलर कंसीलर एंड ये स्विस ब्यूटी का कलर करेक्टर। ये शेड्स मतलब 2-3 शेड्स ले लूँगी लिपस्टिक के, ताकि एक ही ना मतलब लगाना पड़े बार बार। तो ये मैं रखती जाती हूँ क्लिप्स, ये सारी अगर हेयर स्टाइल बनाना हो तो उसमें जूड़ा पिन भी है और क्लिप्स भी हैं, तो ये डब्बा में ही रखती हूँ। ये ब्लू वाली फिंगर रिंग जो मेरी साड़ी से थोड़ा सा मैचिंग जा रहा है, क्लिप्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्यूट से लगते हैं। तो ये वेस्टर्न वेयर के लिए मैं सोच रही हूँ ना कि एक ही डब्बे में मैं सारा रख लूँ, और बाकी ये मैं ऑक्सीडाइज ही रख लेती हूँ मैं ये ब्लू वाले के जगह में, क्योंकि मेरी ज्वेलरी भी ऑक्सीडाइज रहेगी तो शायद ये अच्छी लगे। क्या पता दोनों ही रख लेती हूँ, जो जैसा दोनों हाथ में एक पहन लेंगे, क्या दिक्कत है। हाँ, तो इनको भी मैं एक ही डब्बे में रख लेती हूँ, क्योंकि पर्स को ज़्यादा भी फुल नहीं करना है, इसी में रख लेते हैं। तो हो गया, और ये वाले क्लिप्स भी रख लिया है मैंने, बेबी क्लिप्स भी रख लिया, और एक ये ब्लैक वाले जो पतली क्लिप्स आती है ना, ये वाली, ये भी अच्छा लुक देती है अगर आप बालों को ओपन भी रख रहे हो तो। तो फिर हो गया भाई। सो मैंने सोचा कि चलो एक मंगलसूत्र भी रख लेते हैं, क्योंकि साड़ी पे मैं तो नेकलेस वेयर करूँगी, लेकिन सूट पे गला खाली फिर अच्छा नहीं लगेगा। मतलब एडी का मंगलसूत्र है ये, इयररिंग्स रख रही हूँ ताकि ये वेस्टर्न वेयर पे अच्छी लगे। और ये ऑफकोर्स आई मेकअप कर रही हूँ तो आई लाइनर एंड मस्कारा। सोच रही ज्वेलरी में और कुछ नहीं आएगा, और करते करते डब्बा खोल खोल कर रखती जा रही हूँ। चलो कोई नहीं, बस लास्ट है अभी ये
इससे ज्यादा आप कुछ नहीं लेना है। सो अगेन एक ये लास्ट इयरिंग्स रख रही हूँ मैंने पटियाला के लिए, कोई इयरिंग्स रखी नहीं, चूड़ा तो रख लिया, मंगलसूत्र भी हो गए, तो सडन मुझे याद आया कि अरे इयरिंग्स तो रहेगी, उस पर इयरिंग्स क्या वेयर करूंगी, तो ये मेरे पटियाला का जस्ट मैचिंग में है, मतलब नेवी। अब मैं लास्ट इस ज्वेलरी बॉक्स को खोल रही हूँ, उसके बाद नहीं खोलूंगी। आखिर में भर ही दिया मैंने, देखो आप ये, तो इसको भी इसी में रख देते हैं, अब ये लास्ट था, अब कुछ होगा भी तो इसमें तो नहीं रखूंगी मैं तो बिंदी। सो ये मेरा फिटमे का कॉम्पैक रह गया था, तो हालांकि लूज़ पाउडर तो मैंने रखा है लेकिन ये कॉम्पैक भी रख लेती हूँ, और आप देख सकते हैं मेरे बैग की हालत। तो ये हो गया फाइनली इसका काम ख़त्म। अब ये नेक्स्ट इधर वाले चैन में ना, इसमें फेस वॉश और जो भी स्किन केयर की चीज़ें हैं, जैसे कि अभी मेरा ये टोनर बाकी है, सनस्क्रीन रखना बाकी है, एलोवेरा जेल रखना बाकी है, तो ये सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो डेली बेसिस पे यूज़ होती हैं, उन सब चीज़ों को रखना बाकी है, तो उसको बाद में रखते हैं। फिलहाल ये वाला चैन को, एक सेकंड, ये वाले चैन को करते हैं बंद। तो ये हो गया मेरा चैन बंद, और बहुत काम हो जाता है यार, अभी देखो कितना खाली खाली हो गया, सारा कुछ मैंने रख लिया है। तो ये मेरे दो सनग्लासेस, करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। फुटवेयर कलेक्शन वो किसी टाइम फुर्सत में निकाल के मैं आपसे जो भी कलेक्शन है शेयर करूँगी। दो तीन दिन के हिसाब से रखना है कपड़ों के मैचिंग में, कौन कौन से रखने हैं, कौन से नीडेड है वेस्टर्न के लिए और एथनिक के लिए, उस हिसाब से। तो फाइनली इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो आपको पता ही है क्या करना है, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, लाइक कर देना और कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, और एक्साइटेड रहिए नेक्स्ट व्लॉग के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।